हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लॉग टेबल कैसे देखते हैं, लॉग की वैल्यूज कैसे निकालते हैं और लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ज्यादातर बच्चे लॉग से डरते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो लॉग टेबल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉग एक मैथमेटिकल टूल है जो बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री में लॉग टेबल जनरली कहाँ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी बहुत सारी जगह, राइट? तो क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि लॉग को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक आइडिया लेंगे कि लॉग होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, राइट? लॉग होता क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 4 मुझे बता दीजिए कितना होगा, कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स, तो ये कितना जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। इसी को हम लॉग के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी लिखी जाए कि आंसर आ जाए आपका 16। अभी तो हमें आंसर पता है 2 की पावर 4 होता है, राइट? लॉग में कैसे लिखना है इसको? देखो, लॉग 2 की पावर कितना होना चाहिए कि आंसर आ जाए 16। एक और लिख के देख लेते हैं, 2 की पावर 2 = 4, तो हम इसको लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं लॉग 4 base 2 = कितना? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2। log 4 base 2 का आंसर कितना आएगा? 2। कैसे आया 2? क्योंकि 2 की पावर 2 होता है 4 के इक्वल। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर log 16 base 2, ये जो यहाँ पर छोटा सा लिखा है ना नीचे, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो log 16 base 2 equals to कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 के इक्वल। बात समझ आई बेटा? बेस में हम क्या लिखते हैं? बेस में हम लिखते हैं जिसकी पावर्स हमें लिखनी है, और पावर करके जो आंसर आएगा उसका हम ले लेते हैं लॉग, राइट? तो अगर मैं बात करूं जनरल टर्म्स में, जनरल टर्म्स में अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू बी, तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग बेस में क्या लिखना है जिसकी हमने पावर ली है? लॉग बेस ए, और लॉग निकालना किसका है? लॉग हमें निकालना है बी का। आंसर कितना आना चाहिए जो पावर में है, दैट इज एम। ठीक है, बात समझ आई है हमने कैसे लिखा? सो दिस इज द वे यू कैन यूज द लॉग। यहां तक क्लियर है हमें? अभी तो मैंने 2 की पावर्स ली है सारी, राइट? मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, लॉग ऑफ 9 base 3 इक्वल्स टू कितना होगा, कैसे बताएंगे? ट्राई करेंगे बेटा इसको। इसका मतलब क्या हुआ अगर हम पावर्स को लिखना चाहें तो? 3 की पावर कितना होगा कि आंसर आए 9? कितना होना चाहिए? 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए आपको बताना है log 1, बेस दिया है मान लो 7, इसका आंसर आपको बताना है कितना आएगा, कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिखेंगे 7 की पावर कितनी हम लिखें कि आंसर आए 1 के इक्वल। हमें पता है कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो होता है 1 के इक्वल, तो 7 की पावर जब हम लिखेंगे 0 तो आएगा 1। सो log 1 बेस 7 इक्वल्स टू 0। अब चाहे बेस आप कुछ भी ले लो, बेस आप लोगे 10, 10 की पावर 0 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। बेस आप ले लो 50, 50 की पावर 0 करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि log 1 की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, बेस चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आइडिया हो गया अब हमें कि log क्या होता है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको दिया है log 125 base 5, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, बताइए कैसे लिखेंगे? आपको बताना है कि 5 की पावर्स हम क्या लें कि आंसर कितना है 125 के इक्वल। कैसे निकालेंगे इसको? इसको हम लिखेंगे 5 की पावर कितनी होगी कि 125 आएगा? 5 × 5 = 25 × 5 = 125, सो 5 की पावर 3। तो यहाँ पर आपके पास इस लॉग का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हटा लेते हैं, इसका आंसर आएगा 3 के इक्वल।
3, ठीक है. सो log 125 बेस 5 इक्वल्स टू 3. क्लियर है यहां तक? चलो अब हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम. जब हम लॉग वैल्यूज यूज करते हैं तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कैलकुलेशंस को और भी आसान बना देती हैं. कैसे? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई बेस ए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है बेस ए, बेस तो कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग वाई बेस ए, ठीक है. अगर आपको दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का लॉग लेना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल दिया है ये लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2, इसका लॉग निकालना है आपको, बेस मैंने ले लिया 10, ठीक है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे लॉग 2.5 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 2 बेस 10, ठीक है. आसान है लिखना, ये तो बहुत सिंपल था. अच्छा, अब मैंने यहाँ पर यूज किया है बेस 10, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 10 की पावर्स को कैलकुलेट करना आसान है. जैसे 10 की पावर 2 होगा 100, 10 की पावर 4 अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, 1 के आगे 4 जीरोस, दैट इज 10,000. 10 की पावर 3 इज 1,000, 1 के आगे 3 जीरोस, ठीक. तो इसीलिए हम जो लॉग लेते हैं वो हम लिखेंगे लॉग x टू द बेस 10, राइट. ये हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. तो एक प्रॉपर्टी तो हमें ये समझ आ गई. सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर आपको दिया हुआ हो किसी रेशियो का लॉग, लॉग x डिवाइड बाय y टू द बेस 10, ठीक. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों नंबर्स के लॉग का सब्ट्रैक्शन. कैसे लिखेंगे? लॉग x बेस 10 माइनस लॉग y बेस 10, ठीक है. तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिवीजन की कैलकुलेशन थी वो कितनी आसानी से सब्ट्रैक्शन की बन गई है ना. अच्छा, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो लॉग आप ले लो 7 डिवाइड बाय 5 बेस 10, ठीक, इक्वल्स टू लॉग 7 बेस 10 माइनस लॉग 5 बेस 10, ठीक है. यहां तक हमें समझ आ गया. चलिए उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ये प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग ऑफ x की पावर y बेस 10. बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 10 लिया है. क्यों लिया ये मैंने समझा दिया आपको. बेस कुछ भी हो सकता है, जो बेस आपका स्टार्टिंग में रहेगा वही बेस हम बाद में प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, राइट. सो log x टू द पावर y बेस 10 इक्वल होगा, ये जो पावर में नंबर है इसको ले आइए बाहर, y log ऑफ x बेस 10, ठीक है. ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्लियर है. कैसे लिखेंगे इसको? देखो अभी यहां पर हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ही देखा लॉग 10 की पावर 2 बेस 10, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, लॉग ऑफ 10 की पावर 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, ठीक है. अब देखो यहाँ पर अगर हमें वैल्यू चेक करनी है log 10 की, कैसे देखेंगे? देखो log 10 टू द बेस 10 इक्वल्स टू कितना होगा ये बताना है आपको. इसको पावर्स में कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर कितनी होगी कि आंसर आ जाए 10. तो आप बताइए 10 की पावर क्या लिखें कि आंसर 10 आए? बहुत ही सिंपल है, 10 की पावर होगी 1. तो यहाँ पर जो log 10 होगा टू द बेस 10 उसकी वैल्यू आएगी 1 के, ठीक है. ऐसे ही अगर आपको चेक करना हो कि बताओ log 1 की वैल्यू कितनी होगी टू द बेस 10 ये बताना है आपको. कैसे बताएंगे? इसका मतलब हुआ कि log 10 की पावर कितनी हो कि आंसर आए 1 के इक्वल. 10 की पावर हमें लेनी पड़ेगी 0,
ताकि आंसर 1 के इक्वल आए, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो ही वो इक्वल होगा 1 के। तो इसीलिए log 1 टू द बेस 10 इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये सारी के सारे जो प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनका प्रूफ हम करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, राइट। तो अब हमें लॉग की प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं और हमने ये भी चेक कर लिया है कि लॉग होता क्या है। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि लॉग हमें निकालना कैसे है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 8.314, मान लीजिए इसकी लॉग की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब ये है बेस 10, जब यहाँ पर बेस नहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है हमने लिया है बेस 10, ठीक। तो अब इस लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि 10 की पावर कितनी हो कि आंसर आए 8.314, है ना, ये निकालना है हमें। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करके तो नहीं निकाल सकते। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके तैयार की है एक लॉग टेबल जो कुछ ऐसे दिखती है। देखिए, अब लॉग टेबल तो हमें पता चल गई, अब हमें सीखना है कि इस लॉग टेबल से जिस लॉग की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उसको देखेंगे कैसे, राइट। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ 8.314, ठीक है। देखो, हम यहाँ पर साइड में लिख लेंगे लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 के इक्वल, लॉग 1 बेस 10, राइट। लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल होगा 1 के। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 ये इक्वल होगा 2 के, ठीक है। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 ये इक्वल होगा 3 के। यहां तक हमें समझ आ गया। अब देखो, ये जो है 8.314 ये किसके और किसके बीच में आता है, ये आएगा 1 और 10 के बीच में, है ना। 8.314 lies between 1 and 10. So, अगर ये 1 और 10 के बीच में आ रहा है तो इसकी log की वैल्यूज आनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ही लिख लेंगे कि जो आंसर आएगा वो आएगा 0 point something, ठीक है। अब ये जो 0 point something वाला जो पार्ट है यही आपको कैलकुलेट करना है log टेबल से, ठीक। अब जब हमने देख लिया है कि इस लॉग की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अब इस पॉइंट को भूल जाएंगे। अब हमें चेक करना है 8314। देखो, हम जाएंगे इस लॉग टेबल में। इस लॉग टेबल में यहाँ पर ये है एन की वैल्यू। इस एन की वैल्यू में ढूंढने हैं शुरू के दो डिजिट्स, कौन से हैं हमारे पास, 83। दिस इज 83, ठीक है। 83 के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें वैल्यू निकालनी है 8314। तो जो थर्ड डिजिट है वो हम चेक करेंगे यहाँ पर, दिस इज 0, दिस इज 1। तो 1 वाले में चेक करेंगे 83 के सामने। 83 के सामने है 9196, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, हमने लिखा 9196, ठीक। उसके बाद क्या है, 314। अब यहाँ पर ये 1 हमने चेक कर लिया, जो फोर्थ डिजिट है वो हम चेक करते हैं इन वाले नंबर्स में, जो ये साइड में है बड़े वाले ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। यहाँ पर हमें वैल्यू चेक करनी है 4 के लिए, तो ये रहा 4। नीचे जाएंगे इसमें 4 में और चेक करेंगे 83 के सामने। 83 के सामने आया ये, कितना है 2 के इक्वल। इस 2 को हमें ऐड कर देना है यहाँ पर, 9196 प्लस 2 कितना आया 9198। इस समथिंग को लिख दीजिए यहाँ पर 0.9198। दिस इज द आंसर फॉर log 8.314। बात समझ आई यहाँ तक। अच्छा, अगर आपको निकालना है log ऑफ 83.14 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉपी पेन उठाइए और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि आपने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। देखो, हमें निकालना है 83.14। एक और आसान तरीका क्या है, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 8.314 into 10 to the power 1, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये लिखना हमें आता है, ठीक। जब पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ तो पावर्स आएंगी पॉजिटिव, जब ये पॉइंट शिफ्ट होगा राइट की तरफ तो पावर्स आएंगी नेगेटिव,
एक ये तरीका भी है करने का, ठीक है। ये लिखने के बाद आप इस पूरे का निकाल सकते हैं लॉग, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऐड हो जाएगा। लॉग 8.314 की वैल्यू हमें पता है, देखो पहले इसी से कर लेते हैं। लॉग 8.314 बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 10, ठीक है, तो ये कितना जाएगा। लॉग 8.314 हमने अभी कैलकुलेट किया 0.9198 प्लस लॉग 10 की वैल्यू 1 के इक्वल, कितना आएगा 1.9198 आ गया यहां से आंसर। ठीक, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया उस पे कैसे चेक करेंगे, देखिए ये जो है 83.14 ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 10 एंड 100, ठीक है। तो बिटवीन 10 एंड 100 अगर नंबर लाई करेगा तो उसका आंसर आएगा, उसकी लॉग की वैल्यू आएगी 1 और 2 के बीच में, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1. उसके बाद क्या बचा आपके पास जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 8314। इसकी वैल्यू वापस से चेक करेंगे यहाँ पर लॉग टेबल में, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 83 फिर 1 इज 9196 एंड 4 इज 2, सो दिस विल कम आउट अगेन एज 9198। तो इसका भी आंसर आया 1.9198, ठीक है। और अगर आपको दिया हो ये लॉग ऑफ 831.4 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल देखकर आप बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। ये कितना गिवन है, 831.4। दिस नंबर विल लाई बिटवीन 100 एंड 1000, सो इट्स लॉग वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 3, सो वी कैन राइट लॉग ऑफ 831.4 टू द बेस 10 विल बी इक्वल टू 2.8314 की वैल्यू जो हमें लॉग टेबल में चेक करनी है वो आएगा 9198, ठीक है, क्लियर यहां तक। इंटरेस्टिंग है ना काफी लॉग, एक बार जब आपको अच्छे से आ जाएगा तो आप लॉग से डरेंगे नहीं, ठीक है। देखिए इसको और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे ये भी बता देती हूँ मैं आपको, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। देखो हमें निकालना है लॉग ऑफ 831.4 टू द बेस 10, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8.314 इनटू, ये पॉइंट यहां से शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स तक, तो हम लिखेंगे इनटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है, जब लॉग ए इंटू बी होता है तो हम उसको लिखते हैं लॉग ए 8.314 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर 2, बेस सबका रहेगा सेम, दैट इज बेस 10, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 8.314 बेस 10 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 0.9198 लिख दिया हमने, प्लस वापस से यूज करो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग x की पावर y इज y मतलब 2 लॉग ऑफ 10 बेस 10, तो 0.9198 प्लस 2 इंटू लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 2.9198, ठीक है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो आपको वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 25.2 टू द बेस 10, ठीक है, कैलकुलेट करके बताएंगे इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है 25.2 जिसकी हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा बिटवीन 10 एंड 100, ठीक। तो लॉग 10 लॉग 100, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2 के इक्वल, तो इसकी जो लॉग की वैल्यू आएगी वो आएगी बिटवीन 1 एंड 2, तो हम लिख लेंगे 1. पॉइंट के आगे की जो चीजें हैं वो हमें देखनी है लॉग टेबल से, क्या देखना है लॉग टेबल में 252, देखो चेक करेंगे कहाँ पे है 25, ये रहा आपके पास 25, दिस इज 25, इस पे आपको वैल्यू चेक करनी है 2 पे, 0 1 2, इस 2 पे जाओ नीचे, यहाँ देखेंगे 25 के सामने की वैल्यू, दिस इज 4014। अब क्योंकि अगला नंबर आपको नहीं दिया है तो हमें साइड वाले ब्लॉक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें मिला 4014, तो यहाँ पर लिख लेंगे
4014, दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आप किसी भी नंबर के लिए लॉ की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, लॉग के अंदर या फिर आप जिस भी वैल्यू का लॉग निकाल रहे हैं वो हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइन नहीं है। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, लॉग जाता है ऐसे। ठीक है, एक्स की आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही ले सकते हैं, लेकिन वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और वाई नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, मतलब लॉग की वैल्यू कैलकुलेट जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। उसके बाद आप चाहें तो क्लास 12 की जो बुक है पार्ट 1, उसके लास्ट में लॉग पूरा दिया हुआ है, आप वहां से एक बार रीड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, वहां पर दो और चीजें मेंशन की गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा क्या होता है? अगर आपको दिया हुआ है ऐसे n इक्वल्स टू m इंटू 10 to the power t और आपको निकालना है log n, तो log n कैसे निकालेंगे? log ऑफ m इंटू 10 to the power t। ठीक, क्या हो जाएगा? log m प्लस log ऑफ 10 to the power p। अब तो हम प्रॉपर्टीज यूज करना सीख गए हैं, सो दिस विल इक्वल्स टू log m प्लस ये जो पावर है ये आ जाएगी आगे p log 10। ठीक है, ये हम सारी बातें कर रहे हैं बेस 10 में। क्लियर है हमें यहाँ तक? अब यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? log m प्लस p, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके पास आया है p, इस p को हम बोलते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द log n। ठीक, एंड ये जो आपके पास आएगा log m, log m इज द मेंटिसा ऑफ log n। ठीक है, सिर्फ नाम है, कैलकुलेट करने में इनकी कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमने log आज पूरा का पूरा सीख लिया है। अब आप जाकर क्या करेंगे, केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे पार्ट 1, उसमें चेक करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। वहां पर जिन जिन क्वेश्चन में log की वैल्यूज यूज की गई है उन वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लॉग भी देखना आ जाएगा अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंटी लॉग के साथ। जैसे आपने आज लॉग निकालना सीखा, वैसे ही नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे एंटी लॉग निकालना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।